हेलो फ्रेंड्स, आज की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में जो एडवर्ब के ऊपर हम करने जा रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किसी सेंटेंस में एडवर्ब कौन सी होती है, वो किसको मॉडिफाई करती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एडवर्ब के बारे में कंप्लीटली हमें पता चल गया तो आगे सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर बने और साथ साथ में प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कुछ गिवन सेंटेंसेस में एडवर्ब कौन सी है, वो किस वर्ड को मॉडिफाई करती है, जिस वर्ड को मॉडिफाई करती है वो किस कैटेगरी में आता है, वर्ब में आता है, एडजेक्टिव में आता है या किसी दूसरे एडवर्ब में आता है। और इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो एडवर्ब है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है, क्या वो टाइम में आती है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहला सेंटेंस देखो, ही वॉज इल प्लीज्ड। इस सेंटेंस में देखो, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है एडवर्ब। एडवर्ब जो है इसमें, अब हमारा सेंटेंस वैसे भी बन सकता था ही वॉज प्लीज्ड, तो प्लीज मतलब वो बहुत खुश हुआ, इल प्लीज मतलब नाराज हो गया। तो उसने किसको मॉडिफाई किया है, हमारा फिर इल ऐड हमने किया ना, इल, तो ये हमारी एडवर्ब बन गई। तो इसने मॉडिफाई किया किसको, प्लीज्ड को, ठीक है। इसने एडवर्ब हमारी ये है, इसने मॉडिफाई किया है इसको। तो ये प्लीस्ट, जो प्लीस्ट क्या है, पहले हमने देखना है वर्ब है, एडजेक्टिव है या कोई दूसरा एडवर्ब है। तो देखो, प्लीस्ट एडजेक्टिव हम किसको कहते हैं, जो किसी, जो वर्ड किसी नाउन या प्रनाउन की विशेषता करे, विशेषता को बताए। तो ये प्लीस्ट मतलब खुश है, ही ये प्रनाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसको ये प्लीज हमारा एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई किया है। अब हमने ये देखना है कि हमारी जो एडवर्ब है इल, वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। तो हमारे हमने ये हमारे ऑप्शंस हैं, टाइम, प्लेस, मैनर, डिग्री, फ्रीक्वेंसी। तो देखो, इसमें ना तो टाइम है, ना प्लेस है, ना डिग्री है, ना फ्रीक्वेंसी है, तो हमारा ये आएगा कैटेगरी मैनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि अगर ये चीजें आ गई ना तो एडवर्ब अप्लाई करने में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो सब अगला देखो, ट्राई अगेन। अब ट्राई तो अपने आप में ही एक कि ट्राई करो, इसके साथ हमने लगाया क्या है, एडवर्ब अगेन। तो उसने ट्राई के मतलब को बदल दिया, ट्राई करो दोबारा। इससे सिर्फ ट्राई से ये नहीं पता चलता कि ट्राई क्या, कि कोशिश करो, ये दोबारा कोशिश करो। तो ट्राई जो है ये एक, इस अगेन जो हमने लगाया है ये, इसने ट्राई के मीनिंग को बदल दिया है। तो ट्राई क्या है, वर्ब, कोशिश करो, अगेन ये हमारी एडवर्ब हो गई है ना। तो अगेन हमारी एडवर्ब हो गई। तो जो अब हमने देखना है, जिस वर्ड को बदला है ट्राई को, वो हमारी होगी वर्ब, है ना। तो अब हमने देखना है ये किस कैटेगरी में, अगेन किस कैटेगरी में आ रही है। तो यहां पे देखो, टाइम, प्लेस, मैनर, देखो टाइम भी नहीं है, प्लेस भी नहीं है, मैनर भी नहीं है, डिग्री नहीं, अगेन मतलब फ्रीक्वेंसी, कितनी बार, तो ये फ्रीक्वेंसी की कैटेगरी में आएगा। आई एम सो ग्लैड टू हियर इट, मैं ये देख के बहुत खुश हुआ हूं। तो हमारा आई एम ग्लैड टू हियर इट भी हो सकता था, मैं ये सुन के बहुत खुश हुआ हूं। अब सो जो लगाने से हमारा, मैं तो ग्लैड को ही बदल रहा है ना, सो सो ग्लैड, बहुत खुश, इतना खुश हूं मैं ये सुन के। तो ये जो हमारा है सो, जिसने ग्लैड क्या है हमारा एडजेक्टिव, इसके मीनिंग को बदला है। सिर्फ होता आई एम ग्लैड टू हियर, मैं खुश हूं, मैं इतना खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं,
तो उसने ग्लैड के मीनिंग को बदला, सो जो फिर हमारा क्या हो गया एडवर्ब, आई एम सो ग्लैड टू हियर इट, मैं इसको सुन के बहुत खुश हूं। तो ये हमारा है एडवर्ब, इसने मॉडिफाई किया ग्लैड को, ग्लैड हमारा है ऑब्जेक्टिव। हमारी अब फोर्थ जो चीज हमने देखना है कि जो एडवर्ब सो है वो हमारी किस कैटेगरी में फाइल करती है, टाइम तो नहीं है ना सो, प्लेस भी नहीं है, मैनर भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, है ना सो, तो ये डिग्री है, डिग्री और क्वांटिटी। जैसे जैसे ये हम प्रैक्टिस करेंगे ना हमें पूरा क्लियर होता जाएगा। आर यू क्वाइट श्योर, क्या बहुत श्योर हो, यकीनन हो, तो या आर यू श्योर, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन क्वाइट ने जो श्योर के मतलब को बदल दिया, क्या इतने श्योर हो, क्वाइट श्योर, तो इसने श्योर के मतलब को बदल दिया, ये हो गया हमारा एडवर्ब, ये हमारा हो गया श्योर, क्या है श्योर मतलब एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अब तीन चीजें होगी, हमारा क्वाइट है एडवर्ब, इसने श्योर को बदला है, श्योर एक एडजेक्टिव है, और हमने देखना है कि क्वाइट जो है वो किस कैटेगरी का है, क्वाइट टाइम तो नहीं है, प्लेस भी नहीं है, मैनर भी नहीं है, तो ये भी डिग्री आएगा, डिग्री कितने, मतलब उसकी ना क्वांटिटी को बता रहा ना कितना खुश हो। वंस और ट्वाइस वी हैव मेट अलोन, ये भी अपने आप में कंप्लीट था, वी हैव मेट अलोन, हम मिले हैं, तो जब ये वंस और ट्वाइस लगाता है इसका मतलब हम मिले हैं एक या दो बार, तो ये हमारा जो है ना वंस और ट्वाइस, ये हमारी एडवर्ब है, वंस और ट्वाइस, तो किसको मॉडिफाई किया, हैव मेट को, तो हैव मेट क्या है वर्ब है ना, मीट मेट मेट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये है हमने ये देखना है कि जो हमारी जो है ना वंस और ट्वाइस ये किस कैटेगरी की एडवर्ब है। देखो वंस और ट्वाइस टाइम तो नहीं है, प्लेस भी नहीं है, मैनर नहीं है, डिग्री नहीं है, कोई क्वांटिटी की थोड़ी बात करें, फ्रीक्वेंसी कितनी बार, तो ये फ्रीक्वेंसी की बात हो गई, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, द रेलवे स्टेशन इज फार ऑफ, इसमें सबसे पहले हमारी एडवर्ब जो आ रही है वो है फार, वो किसको मॉडिफाई कर रही है, वो ऑफ को, ऑफ भी एक एडवर्ब है, तो ये इसको फार जो है वो ऑफ को मॉडिफाई कर रहा है, वो भी एक एडवर्ब है, तो अब हमने देखना है कि किस कैटेगरी में फाइल करती है, तो ये क्योंकि हम डिस्टेंस की बात करें फार डिस्टेंस, तो हम प्लेस की कैटेगरी में आएगा। दूसरा जैसे मैंने बोला कि ऑफ भी हमारी एक एडवर्ब है, ऑफ जो किसको मॉडिफाई कर रही है वो इसको कर रही है, इज एक वर्ब है, तो जो दूसरा है ऑफ वो भी प्लेस की कैटेगरी में पाएगा, यहां हम बात ही डिस्टेंस की कर रहे हैं। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने इसको पहले भी सुना है, तो अगर ये भी होता आई हैव हर्ड दिस, ये मैंने सुना है, तो बिफोर लगाने से ये हमारी हो गई एडवर्ब, और मॉडिफाई किसको कर रहा हैव हर्ड को, तो ये हैव हर्ड मतलब सुना है, ये परफेक्ट टेंस वाली आ गई, तो वर्ब आ गई कैटेगरी, है ना। तो अब हमने देखना है कि बिफोर जो है ये किस कैटेगरी की एडवर्ब है, तो यहां पे देखो पहले भी सुना, हम टाइम की बात करें तो ये फॉल करेगा टाइम की कैटेगरी का। अब यहां पे देखो वी वर वेरी काइंडली रिसीव्ड, अब इसमें दो एडवर्ब है हमारी, पहला तो ये है काइंडली, ये किसको काइंडली, हम ये भी हो जाता वी वर रिसीव्ड तो तब भी ठीक था, वी हमने हमको रिसीव कर लिया गया, काइंडली रिसीव्ड, वी वर काइंडली रिसीव्ड भी हो सकता था, तो लेकिन अभी वी वर रिसीव्ड नहीं है, यहां पहले हमारा एडवर्ब आ गया काइंडली,
ये हमारा वर्ड है, किसको कर रहा है, रिसीव्ड को कर रहा है ना, रिसीव्ड, वी वर काइंडली रिसीव्ड, तो रिसीव्ड को मॉडिफाई कर रहा है, रिसीव क्या है एक वर्ब, तो काम करना ना, रिसीव किया, प्राप्त किया, को रिसीव किया, तो ये हमारी वर्ब की कैटेगरी में होगी। तो अब हमने देखना है कि जो एडवर्ब है काइंडली वो किस कैटेगरी का है, ये मैनर को बता रही है ना कि काइंडली रिसीव्ड, तो ये आ जाएगा मैनर। अब दूसरी जो हमारी है वो है वेरी, वी वर वेरी काइंडली को अब ये कर रहा है, तो ये भी एक एडवर्ब है ही, हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो वेरी की कैटेगरी कौन सी है, ये बता रहा है हमारा डिग्री, कितनी क्वांटिटी या डिग्री बड़ी उसकी, बहुत अच्छी तरह, तो ये उसकी डिग्री को बता रहा है कि हमने बड़ी अच्छी तरह वेरी जब ऐड किया तो वो डिग्री को बता दिया। ही इज ओल्ड इनफ टू नो इट बेटर, वो अब हमारा ये क्या है इनफ, तो ये किसको कर रहा है, जो मॉडिफाई ओल्ड को, ओल्ड तो है इनफ, बहुत काफी ओल्ड है, तो ये हमारी होगी एडवर्ब, ये मॉडिफाई कर रही है ओल्ड को, ठीक है, तो ओल्ड क्या है, ही इज ओल्ड, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जो प्रनाउन को उसके बारे में विशेषता बताता है, तो ही इज ओल्ड, ये एडजेक्टिव है हमारा। तो अब ये क्या हमारी एडवर्ब, तो हमारी इसमें होगी इनफ, मॉडिफाई कर रहा है ओल्ड को, ओल्ड क्या है एक एडजेक्टिव है, तो अब हमने देखना ये किस कैटेगरी की श्रेणी में आता है, इनफ मतलब ये बताता है, इनफ का मतलब ये है डिग्री कितना है ना। दूसरा देखो, यू नीड नॉट रोर, आपको ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, गर्जने की जरूरत नहीं है, तो यहां हमने पहले डिस्कस किया था कि यहां भी नोट नेगेशन वाला हो तो वो वर्ब एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है, जहां भी नोट आ जाए वो हमारी नेगेटिव वाला हो जाता है, तो ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, नीड, तो नीड क्या है हमारी वर्ब है ना, यू नीड नॉट रोर, आपको जरूरत नहीं है गर्जने की, तो नीड हमारी वर्ब होगी, नोट हमारी होगी एडवर्ब, वो मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, है ना, तो नोट किसको आएगा, वर्ब ऑफ नेगेशन। ये हमने पिछली जब पूरी वीडियो डिस्कस की थी उसमें ये किया था, ही नीड्स टू डू इट, उसको ये करने की जरूरत है ना, तो यहां पे हमारा क्या है, ही नीड्स टू डू इट, ये डू जो है हमारा आ गया, ही नीड्स टू डू, ये पॉजिटिव है ना, तो ये हमारा एडवर्ब आ गया, नो नो हमारा जो है ना वर्ब वो आ जाएगा, एडवर्ब आएगा, एडवर्ब नीड्स, ही नीड्स टू डू इट, तो डू हमारा जो क्या है ना वो डू, ही इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो यहां पे हमारा आ जाएगा, ये वर्ब है हमारी डू करना, काम करना, तो ये जो एडवर्ब हमारी है वो किस कैटेगरी की है, ये पॉजिटिव कैटेगरी की, तो इसमें हम बात कर रहे थे ही नीड्स टू डू इट, तो यहां पे हम जैसे ये पॉजिटिव, यहां इसको डिग्री ऑफ अफर्मेशन भी कह सकते हैं, जहां पे पॉजिटिव बात करे कुछ काम करने की बात हो उसको अफर्मेशन, जहां मना करने की बात हो वहां पे निगेशन, तो इस तरह से हम ये करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने हमारे साथ मिलकर जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जो एडवर्ब के बारे में बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।